दशहरा का त्यौहार नज़दीक आ रहा है, आप भी सोच रहे होंगे कि कुछ सामान जाकर ले आए, कुछ नए कपड़े ले आए, लेकिन कपड़े लाने के लिए तो अब नेता भी निकल चुके हैं, क्योंकि कुर्ता सिलवाना पड़ेगा मंत्री जो बनना है। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइफ टीवी के इस यूट्यूब चैनल पे। कल बक्सर में जन्म लिए रणनीतिकार वो चाणक्य जदयू में शामिल हो चुके हैं। आप समझ रहे होंगे मेरी बातों को, मैं प्रशांत किशोर की बातें कर रहा हूँ। उनके जदयू में आने के बाद एक तरह से जदयू को लाइफलाइन मिल गई है, लोकसभा और विधानसभा में जाने से पहले उनको एक चाणक्य मिल गया है और अब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। जैसा कि आप सभी खबरों के माध्यम से जानते होंगे, मंत्रिमंडल का विस्तार मुजफ्फरपुर महापाप के वक्त ही होना था, लेकिन मुजफ्फरपुर महापाप की जो हवा चली ना जाने कितनों के घर को जला दिया और कितने लोग जो मंत्री बनने वाले थे उनके सपने को भी चूर कर दिया। लेकिन अब जो ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, सबसे पहले न्यूज बिहार आपको बता रहा है, वो सूत्र हमारे पास से खबर लेकर आ रहे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार दशहरा के ठीक बाद होगा। प्रशांत किशोर कैबिनेट का एक अहम हिस्सा होंगे, साथ साथ एक पुराना चेहरा याद होगा आपको, पूर्व में शिक्षा मंत्री थे अशोक चौधरी। महागठबंधन की सरकार जब बनी थी तो अशोक चौधरी शिक्षा मंत्री के रूप में मंत्री बनाए गए थे, लेकिन अब जो खबर निकल के आ रही है, अशोक चौधरी एक बार फिर से नीतीश कुमार के प्रिय हैं और शिक्षा मंत्री बनाए जा सकते हैं, क्योंकि अशोक चौधरी ने जितनी कांग्रेस की नीतियां हैं वो नीतीश कुमार को बता दी हैं। तो ये सारी खबरें जो निकल के आ रही हैं हमारे सूत्रों से, इस पर हम कहीं ना कहीं मोहर लगा रहे हैं। इस खबर को अपने जेब में रख लीजिए, न्यूज बिहार का मोहर भी लगा लीजिए, क्योंकि ये खबर एकदम पक्की है, अशोक चौधरी का मंत्री बनना सुनिश्चित है, शिक्षा मंत्री बन सकते हैं अशोक चौधरी। साथ साथ और भी बड़े चेहरे हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में लाया जाएगा, कैबिनेट का विस्तार होगा और प्रशांत किशोर को मत भूलिएगा, सबसे अहम रोल उनका ही है तो सबसे अहम पद उन्हीं को दिया जाएगा। हम इन तमाम मुद्दों पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। दशहरा के बाद जैसे ही कुछ अनाउंसमेंट होता है, कुछ अधिसूचना निकलती है, हम इसकी खबर भी आप तक लेकर आएंगे, लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो कभी गलत नहीं होते, इस पर भी ध्यान बनाए रखिएगा। अशोक चौधरी फिर से शिक्षा मंत्री बनकर आ रहे हैं, हम इन खबरों से भी आपको जोड़ रहेंगे, जुड़ रहे हैं भारत लाइव टीवी के यूट्यूब चैनल से। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।